हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन अ वोकैब सेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप वोकैब सेशन में आप लोग से कोई वर्ड मीनिंग आप लोग को नहीं बताने वाली हूँ, कोई वर्ड मीनिंग डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। आज मैं कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ आप लोग के लिए। वोकैब सेशन में चैटिंग करते जाए जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उसका फुल मीनिंग क्या होता है ये हमें कई बार नहीं पता होता है, और आज के टाइम में लोग चैटिंग में ही नहीं, इनफैक्ट कन्वर्सेशन में भी लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे हम सबको अपडेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार कोई शॉर्ट में कुछ बोलता है हमें समझ नहीं आता तो बहुत ऑड फील होता है। तो ऑड फील ना हो इसके लिए चलिए देखते हैं। ASAP, अगर आपको किसी को बोलना है एज सून एज पॉसिबल तो आप क्या बोलेंगे? ASAP। ठीक है, अगर आपको कहना है एज सून एज आई कैन तो आप क्या बोलेंगे? ASAIC। चैटिंग में या कन्वर्सेशन में आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं, आप सबको इससे अपडेट रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आल्सो नोन एज। अगर आपको किसी को टाइप करना है आल्सो नोन एज तो आप उसे शॉर्ट में लिखेंगे AKA। ठीक है, बाय द वे, अक्सर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, बाय द वे ऐसा होगा, बाय द वे मे बी ऐसा बोलते हैं ना, इसको शॉर्ट में आप लिखेंगे आप BTW, ना कि बाय द वे फुल टाइपिंग करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका DIY। DIY अक्सर गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा, जब कोई भी फेस पैक, फेस मास्क या कोई भी ऐसा DIY होम प्रोडक्ट, DIY अक्सर यूज़ होता है तो कई बार हमें नहीं पता होता है कि DIY का मतलब क्या है। इसका मतलब है डू इट योर सेल्फ। अगर आपको किसी को बोलना है तो बोलेंगे DIY। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं FAQ। ये अक्सर आपका लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, कहीं नोट्स में, कहीं PDF में, अक्सर हर जगह आपको मिलेगा FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? FAQ। ओके, LOL चैटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है LOL, लेकिन मोस्टली लोगों को पता होता है बट कई बार नहीं भी पता होता है। इसका होता है लाफिंग आउट लाउड या लाफ आउट लाउड, मतलब लाउडली हंसने को हम शॉर्ट में लिख देते हैं LOL। नेक्स्ट है आपका थैंक यू को हम कन्वर्सेशन में भी आज के टाइम में लोग TY बोलते हैं, थैंक यू फुल फॉर्म नहीं बोलते हैं, तो थैंक यू को आप शॉर्ट में TY भी लिख सकते हैं और TQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको आप लोग अच्छे से देख लो, आप दो बार इसे रिविज़न कर लेंगे आपको माइंड में ये सेट हो जाएगा और ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, हम सबको अपडेट रहने की ज़रूरत है, हम सबको मॉडर्न एज में अपडेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय।